एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। आज आपको बताएंगे कंगना की इमरजेंसी के बारे में, साथ ही सावन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वहीं राखी ने सुशांत सिंह राजपूत केस पर क्या कुछ कहा और करण तेजस्वी की अपकमिंग सॉन्ग से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही बातें, देखिए आगे क्या कुछ है खास। सावन का महीना शुरू हो चुका है। हर बार सावन में भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से सावन से जुड़े गाने जरूर आते हैं, वैसे ही इस बार भी हुआ। हर बार की तरह इस बार भी सावन के गाने आने लगे हैं। चलिए आज ऐसे ही कुछ लोकप्रिय गाने आपको बताते हैं, जिसके बारे में जानकर आप इससे ना सुनने से और इस पर झूमने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के गाने तो बात ही कुछ और है, और हाल ही में इनका एक गाना रिलीज हुआ है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो गया है। इस गाने को फैंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। डालिए सावन के कुछ खास गानों पर नज़र। सावन महीना शुरू हो चुका है। ये महीना हिंदुओं के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी भोजपुरी इंडस्ट्री से सावन के गाने आने शुरू हो गए हैं। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, शिल्पी राज ने अब तक सावन के नए गाने रिलीज कर दिए हैं। चलिए ऐसे ही कुछ लोकप्रिय गाने आपको बताते हैं। भोजपुरी स्टार और सिंगर पवन सिंह का गाना गौरा हो हंस दाना इस समय सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहा है। इसमें पवन भोले बाबा बने हैं और माँ गौरी के रूप में एक्ट्रेस चांदनी सिंह दिख रही है। गाने में भोले बाबा अपनी गौरी को मनाते दिख रहे हैं ताकि वो कैलाश छोड़कर ना जाएं। भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव का गाना ब्रांडेड भक्त भी लोग काफी सुन रहे हैं। उनका गाना दुल्हा देहाती चाही भी इस समय इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। शिल्पी के इस गाने में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव हैं। माही भोले बाबा के लिए अपने जीवन साथी की मांग कर रही हैं। इसके लिरिक्स विजय चौहान ने लिखे हैं और रिलीज होते ही सॉन्ग काफी वायरल हो रहा है। कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की हाल ही में धाकड़ फिल्म रिलीज हुई थी, पर फिल्म रिलीज होते ही धाकड़ तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, जिसे लेकर वो चर्चे में रही और काफ़ी ट्रोल भी हुई। इस आग अभी बुझी ही नहीं थी कि चिंगारी जल गई। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी बीच कंगना की नई फिल्म इमरजेंसी का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है, जिसे देख फैंस काफी शॉक्ड हैं। शायद कंगना का ये लुक आपको भी चौंका देगा। चलिए दिखाते हैं आपको। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ रिलीज हुई थी, हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। इस बीच कंगना की नई फिल्म इमरजेंसी का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। यूजर्स उन्हें इस अंदाज में देखकर काफी इंप्रेस हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का पहला लुक उनके प्रोडक्शन बैनर मणिकर्णिका फिल्म के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। टीजर में कंगना को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में देखकर लोग काफी हैरान हैं, जिस पर यूजर्स खूब सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं। इसके व्यूज भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। फिल्म इमरजेंसी के वीडियो की शुरुआत कंगना रनौत अपने ऑफिस में खड़ी रहती हैं। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए यूजर्स कंगना रनौत की तारीफ कर रहे हैं। एक मीडिया यूजर ने लिखा कि आपका जवाब नहीं कंगना। एक अन्य यूजर ने लिखा, उनके टैलेंट और डेडिकेशन का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है, उनके वो एक्सप्रेशन और भाव। एक अन्य यूजर ने लिखा कि वह एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। एक और यूजर ये लिखते हैं कि ट्रेलर देखने का इंतजार नहीं हो रहा। जहां राखी सावंत हो वहां गॉसिप्स एंटरटेनमेंट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राखी जहां जाती हैं वहां चर्चा में आ ही जाती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राखी सावंत को मुंबई में स्पॉट किया गया, जहां मीडिया से राखी की कई सारी बातें हुई। उन्होंने मीडिया द्वारा कई सारे सवालों पर बारी बारी जवाब दिया। शुरुआत हुई पहले सवाल से, जिसमें राखी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिस प्रोजेक्ट को लेकर वो काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी। क्या है उनकी दुविधा, देखिए क्या कुछ बताया राखी ने। दोस्तों कि मुझे अभी भी बैलीज कैसीनो से ऑफर आ रहा है श्रीलंका जाने के लिए, और श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर भाग गए हैं किसी के पैसे लेकर, या पता नहीं क्या हुआ श्रीलंका वालों के, उनके घर में आग वाग लगा दिए, सड़कों पे आग वाग लगा दी है,
वहाँ पे तो मतलब बहुत सारा घमासान युद्ध हो रहा है आपस में श्रीलंका में। मैं बहुत डर रही हूँ कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। तुम लोग मेरी बलि चढ़ा रहे हो। सो गाइज मुझे बहुत डर लग रहा है जाने के लिए। मैं क्या करूँ, मुझे कोई बताएगा प्लीज, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पता है कि नहीं वॉर चल रहा है। इकोनॉमी वॉर चल रहा है। मुझे पकड़ के मोदी जी से कुछ मांग लिया तो उन्होंने आपकी राखी को यहाँ पकड़ के रखा है। हमने राखी के प्रॉब्लम्स तो आपने सुना है, श्रीलंका का प्रोजेक्ट अब वो लेंगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वो लोगों से सलाह ले रही हैं। अब राखी की ये बात खत्म हुई ही नहीं कि एक दूसरा सवाल मीडिया ने उनसे कर डाला। क्या है ये सलमान का 1000 करोड़ का डिमांड जिस पर मीडिया ने किया राखी से सवाल, देखिए पूरी खबर। तो बिग बॉस की बात ये है के सलमान जी को बिग बॉस इतना बड़ा शो है, जीआरपी टीआरपी का नंबर वन शो है। बिग बॉस में सलमान जी एज ए एंकर 10 गुना भी मांगे तो भी कम है, क्योंकि बिग बॉस शो ही चलता है सलमान जी की वजह से। क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं ना वो सिर्फ सलमान जी को ही डरते हैं, दूसरा कोई भी एंकर आ गया ना तो वो उतना डरेंगे नहीं। आप समझ रहे हो, इंक्लूडिंग मी, मैं भी डरती हूँ सलमान जी से, बहुत डरती हूँ। आदिल जी के साथ इस बार देख पाएगे हम? आदिल, वेयर आर यू साले? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ड्रग केस मामले में क्या है राखी की राय, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए मैं सच बोलूं तो रिया, जो इंसान प्यार करता है वो वार कभी नहीं कर सकता। रिया देखिए वो प्रोटोकॉल होता है एनसीबी में बार बार जाने का, फिर वो पूछताछ करते फिर छोड़ देते। प्रोटोकॉल से पूछताछ से डरना नहीं चाहिए इंसान ने। मुझे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, मुझे ऐसा लगता है। स्टार्टिंग में मैं भी उसके खिलाफ बोली थी, पहले मैं डर गई थी कि क्या कोई प्यार ऐसा कर सकता है। आज मैं आदिल से प्यार करती हूँ लेकिन मैं आदिल पे वार कभी नहीं कर सकती। आदिल मुझसे प्यार करता है लेकिन आदिल मुझ पर वार कभी नहीं कर सकता। प्यार तो एक खूबसूरत चीज़ है महसूस करने की। प्यार मुझे तो पहले कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं होता था, अब मुझे पहली बार प्यार हुआ है आदिल से। पहले तो मेरा सब टाइम पास था, अभी तो रियल सच्चा लव तो मेरा आदिल के साथ ही है। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग बारिश आई है अब आ ही गया, जिसको लेकर एक ग्रैंड लॉन्च पार्टी रखी गई जिसमें इस गाने के सभी मेंबर शामिल हुए। माहौल मस्ती भरा था, बातें चल रही थी, गाने गुनगुनाए जा रहे थे और सभी अपने इस गाने से जुड़े एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे। शुरुआत हुई गाने की मेकिंग को लेकर जुड़ी बातों से। गाना तो सभी ने सुना है पर इसकी शुरुआत कैसे हुई चलिए आपको दिखाते हैं। भाई ये गाना है, मेलेडी है, तो इसने कहा भाई क्या है मेलेडी, तो मैंने गाना गाया। गाना गाने के बाद नहीं भाई इसका रिदम अरेंजमेंट क्या होगा, बिकॉज स्टेप इज ऑलवेज के इसका अरेंजमेंट क्या होने वाला है, इसको कैसा होगा भाई। हाँ बूंद बरसाई है रब ने, आजाद बरसाई है, जिंदा ऐसी धारा, ऐसी बारिश आई है, जिंदा इसके बाद करण और तेजस्वी से उनके गाने के टीजर से जुड़े कुछ एक्सपेक्टेशंस को लेकर सवाल किया गया। साथ ही करण ने बताया कि कैसे स्टीवन ने करण की माँ की मदद की और तेजस्वी की कौन सी बचपन की ख्वाहिश हो गई पूरी, क्या कुछ कहा कपल्स ने आइए बताते हैं आपको। इसकी थोड़ी सी लंबी कहानी है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम मैं स्टीवन के घर पर, हम बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं और मैं काफ़ी लोग नहीं जानते कि स्टीवन और मैं बहुत सालों से दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। स्टीवन मेरी मॉम के लिए उनका दूसरा बेटा है। उनकी भी एक अलग कहानी कि वो कैसे एयरपोर्ट पर मिले, वो नहीं जानती थी स्टीवन, स्टीवन नहीं जानते थे मेरी मॉम को। दोनों केरला से हैं, दोनों मलयाली अच्छे बोलते हैं और वो कैसे मिले और किस हालात में बिना जाने कि मेरी मॉम जो है वो मेरी मॉम है, फर्स्ट स्टीवन शी वाज जस्ट लेडी एट द एयरपोर्ट जिन्हें मदद की ज़रूरत थी एंड स्टीवन हैज गॉन आउट ऑफ द वे टू हेल्प हर, उनका रिचार्ज करवाया उन्होंने खड़े होकर,
इससे इत्तेफाक कहें या ख्वाहिश, पर सच तो यही है कि स्टीवन के सारे गाने अक्सर बारिश से जुड़े हुए होते हैं, जिस पर उनसे सवाल भी किया गया। वहीं स्टीवन ने बारिश गाने से लगाव को लेकर क्या कुछ कहा और क्या है उसका इस बारिश शब्द से नाता, सुनिए पूरी बात। एक्चुअली जब से मैं आया हूँ, सब लोग जानते हैं कि मैं नया लड़का हूँ, मैंने अभी गाना गाना चालू किया है, मतलब रिसेंटली आया हूँ। और जब से पहला ही जो डेब्यू मुझे मिला है, इनिशियली वाज बारिश। सो जो मेरे गाने आने चालू हुए थे, माय फर्स्ट सॉन्ग विद वायरल यूनिवर्सिटी वाज बारिश। तो क्या होता है कि पहला गाने से एक फैमिली बन गई है, मतलब नाउ they are like a family to me, everybody or the entire team of viral universal puja, everybody is there. काफी लोग नहीं है, सब लोग पूरी फैमिली बन चुकी। तो जब से हम लोग बेटर होते जा रहे हैं, हम लोग को भी समझ पा रहा है कि और क्या बेटर करना है। तो आई थिंक जब अगली बार बारिश। अब आपको बताते हैं कौन सा पल था तेजस्वी और करण के लिए स्पेशल। ऐसा क्या कहा करण ने जिसे सुनकर तेजस्वी हो गई खुश, और इतना ही नहीं कपल्स ने खुद गाना भी गुनगुनाया। देखिए आगे। यहाँ पर आए हैं हमारी इस जो हमने वेंचर किया है उसका हिस्सा बनने के लिए। सो बिग 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 थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, बिकॉज आपके बिना ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप हैं तो ये गाना हर जगह पहुंचेगा और लोगों को पसंद आएगा। मदन उस जब भी वो शूट किया उसके बाद में करण मेरे पास आया और मुझे बोला कि रियल लाइफ में इट्स गोइंग बेटर देन दिस मूवी। सो ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब आपको बताते हैं कौन कौन से हैं वो सेलेब्स जिन्हें किया गया स्पॉट, और साथ ही आपको बताएं कि उनसे जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए पूरी खबर। बिग बॉस ओटीटी विनर दिव्या अग्रवाल को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया। वो जीन्स टॉप के लुक में नजर आईं, जिसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनके पूछे जाने पर कि वो शूट पर कहां जा रही हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो राजस्थान जा रही हैं और अभी उसी अटायर में हैं। शर्वरी बाग को मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। आपको बता दें कि कैटरीना कैफ के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए शर्वरी बाग मुंबई से मालदीव जा रही हैं। वहीं अगर शर्वरी की करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वहीं मौजूद मीडिया के सामने शर्वरी ने कुछ फोटोज क्लिक करवाए और उसके बाद वो एयरपोर्ट के अंदर चली गई। काफी लंबे समय बाद कैटरीना कैफ और विकी कौशल को एक साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की बार्बी डॉल का जन्मदिन आ रहा है, वो कैटरीना के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए दोनों मालदीव जा रहे हैं। ऑरेंज कलर के प्रिंटेड टी शर्ट और ब्लू जीन्स में कैटरीना हमेशा की तरह स्टनिंग दिख रही थी। दूसरी ओर विकी ने ब्लैक टी ऑलविल ग्रीन जैकेट और ब्लू जीन्स में क्लीन शेव लुक दिया था। कपल कूल ब्लैक शेड्स में ट्विनिंग करते हुए नजर आए। वहीं सलमा आघा को उनके बेटे अली खान आघा के साथ मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया।